अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियोस बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ गोट का दमपुक, जिसको खड्डी कबाब भी कहा जाता है या सालिम भी कहा जाता है या फुल गोट की रेसिपी भी कहा जाता है, जो कि खड्डे ज़मीन के अंदर बनाया जाता है। अक्सर ये बलोचिस्तान या कबायली इलाकों में बनाया जाता है, जहाँ लोगों को ज़मीन के अंदर दफन करके खाना बनाने का बहुत शौक़ होता है। तो आज मैं आपको सिखाऊँगा कि किस तरह बनता है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, मेरे पास एक बर्बरी गोट का मेल है जो कि मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा और इसका पूरा प्रोसेस बनाऊंगा कि किस तरह ये चीज़ें बनती हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इस गोट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। मैं एक एक करके आपको चीज़ें भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आप घर बैठे किस तरह दमपुक या खड्डी कबाब बना सकते हैं। एक गोट रिक्वायर्ड होगा, अगर आपके पास है 15 से 16 केजी का गोट होना चाहिए, 10 से 12 माह की एज में हो तो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। अब मेरे पास ये गोट है 15 से 16 केजी इसका लाइव वेट है और इसका जो मीट निकलेगा फ्लैश वो 8 से 9 केजी के दरमियान होगा। अब मैं आपको बताऊं क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक आप देख सकते हैं ये कटर प्लास है, ये वायर वगैरह को कट करने में हमें काम आएगा। उसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रही है ये नाइफ़ है जो बकरा जिससे हम काटेंगे, और इसके बाद ये फॉइल है, ये नाइफ़ को तेज़ करने के लिए होती है। अक्सर आप देखते हैं कसाई इससे तेज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये फॉइल है, ये ईज़िली अवेलेबल होती है, कहीं से भी आपको किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से फॉइल मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास ये वायर है, ये वायर भी ईज़िली आपको हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगी। ये जब हम गोट को हैंग करेंगे उसमें पोल अंदर या उसमें पाइप के अंदर, तो उसको बांधने वक्त ये काम आएगी, और जब तैयार हो जाएगा तो उसके वक्त ये काटने वक्त ये कटर प्लास हमारे काम आएगा। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये पाइप है गैस का पाइप है, इसको आपको हार्डवेयर की शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये 10 फीट का या 8 फीट का अगर आपके पास पाइप हो तो बिल्कुल सूटेबल, इसको आप अच्छी तरह धो लें उसके बाद ये भी आपके काम आएगा। और इसके बाद मेरे पास ये नीचे जो है टीन की चादर है, बिल्कुल ये भी समझ लें 10 फीट की है लंबाई में, ये आपके पास 10 फीट की हो या 8 फीट की हो तो ये भी बिल्कुल बेस्ट है। उसके बाद मेरे पास कुछ लकड़ियाँ हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा कि किस किस्म की लकड़ियाँ होनी चाहिए जहाँ आप एक दमपुक बना सकते हैं। तो आपको तकरीबन जैसे ये मुझे नज़र आपको नज़र आ रही होंगी कि ये छोटी स्टार्टर लकड़ियाँ हैं जो बिल्कुल पतली टहनियों में होती हैं छोटी, ये आग जलाने में काम आएंगी। इससे जिस तरह आग जलेगी तो उसके बाद हमने ये जो फट्टे टाइप की लकड़ियाँ होती हैं जिसमें फट्टे होते हैं या थोड़ी सॉलिड लकड़ी होती है, ये हम भट्टी के अंदर डालेंगे ताकि जल्दी हीट पकड़ ले भट्टी और जल्दी उसमें गर्म हो जाए, क्योंकि भट्टी हम गर्म करेंगे उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट हो। उसके बाद जब भट्टी गर्म हो जाएगी घंटे डेढ़ के बाद हमने ये वाली लकड़ियाँ डालनी है जिसमें आग बनानी है और इससे आग लगेगी, और जब इसकी आग ड्राई होगी इसके कोयले बनेंगे तो फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। और उसके कोयले बनने के बाद जब हम पूरा उसमें गोट को जब भट्टी के अंदर डालेंगे और उसके ऊपर ये शीट रखेंगे जो मैंने आपको दिखाई टीन की चादर, उसके ऊपर हमने ये 2 से 3 लकड़ियाँ जला के रखनी है। ये बिल्कुल हार्ड लकड़ियाँ होती हैं और काफ़ी हैवी होती हैं, 2.5 से 3 केजी इस लकड़ी का वज़न होता है। ये 2 से 3 लकड़ियाँ आपको चाहिए होंगी ऊपर जलाने के लिए, और जब ये लकड़ियाँ जल जाएंगी तो उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ कोयले आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल कोयला है, आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाता है, कहीं भी आप होंगे तो आपको कोयला बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ये 5 से 6 केजी आपको चाहिए होगा ऊपर शीट के ऊपर जब तैयार होने वाला होगा, तो घंटा डेढ़ घंटा उसको आपको इसकी आँच कोयले की देनी होगी लाजमी। उसके बाद मेरे पास कुछ इन्ग्रीडियंट्स हैं, मैं आपको ये भी बताता चलूँ। अब जैसे आप मेरे बैक साइड पर देख रहे हैं कि ये 8 से 9 केजी इसका लाइव वेट इसका गोश्त होगा, सॉरी लाइव वेट इसका 15 से 16 केजी है, इसका जो गोश्त होगा वो 8 से 9 केजी होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए सिरका, सिरका ये आपके सामने है, ये सिरका आपको डालना है इसमें 8 से 10 टेबलस्पून के दरमियान आपको सिरका चाहिए होगा, उसमें 6 टेबलस्पून आपको नमक चाहिए होगा और 6 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 6 टेबलस्पून कच्चा पपीता और आपको 4 टेबलस्पून कचरी पाउडर चाहिए होगा, और इसके बाद 8 टेबलस्पून आपको तिक्का बोटी जो मसाला होता है इजीली अवेलेबल होता है वो आपको चाहिए होगा। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बताऊंगा कि किस तरह बनती है और इसकी जगह भी आपको दिखाऊंगा। और वो जो आपको बड़ा थाल नज़र आ रहा है ये मेरे स्क्रीन पे, ये थाल के अंदर हम जब बकरा पूरा काटेंगे तो उसको बिल्कुल साबित इसके अंदर डाल देना, और इसमें हमने मैरिनेट करना है 2.5 से 3 घंटा हमने मैरिनेट करके इसको इस थाल के अंदर रखना है, और उसके बाद फिर हमने जो प्रोसेस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे पास पाइप है, इसमें हमने इसको हैंग करना है यूं करके इसके पूरे बकरे को, और उसके बाद ये जो मैंने आपको वायर दिखाई इससे हम लोग ने बांध देना है इस वायरों से, और फिर इसको हमने जो जगह बनाई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उस जगह पे मैं आपको लेके चलता हूँ, उस जगह पे हमने इसको हैंग करके अंदर प्लेस करना है। तो आइए मैं आपको जगह भी दिखाता हूँ।
अच्छा व्यूअर्स, बिल्कुल आसान है अगर आपके पास जगह हो और आप समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यह हमने 3 फुट का खड्डा इसमें खोद दिया है और बिल्कुल छोटी सी भी अगर आप जगह हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। यह मेरे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये 3 फुट का खड्डा है और 1.5 बाय 3 फुट का खड्डा है। 1.5 फुट यूँ होना चाहिए, विड्थ होनी चाहिए और लेंथ इसकी जो है, डेप्थ इसकी जो है 3 फुट होनी चाहिए और जो इसकी लंबाई है वो 5 से 5.5 फीट तक होनी चाहिए। अब ये खड्डा हमने खोद दिया है, अब जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगा कि हमने बकरा काटने के बाद क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं, फिर मैं आपको ऐसे ऐसे चीज़ें शेयर करता रहूँगा। व्यूअर्स, तो जिस तरह मैंने आपको बताया, अभी हमने गोट ज़िबा कर दिया, उसको हमने 3 घंटे मैरिनेट भी कर दिया था, जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे मसाले वगैरह लगा के हमने इसको 3 घंटे तक रख दिया था। अब मैरिनेट हो गया, अच्छी तरह इसमें मसाला एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, वही जो पाइप मैंने दिखाया था उस पर हमने इसको तारों के साथ टाई कर दिया है। टाई करने के बाद हमने इसको हैंग किया, यहाँ 3 घंटे फिक्स होने के बाद हमने इसको निकाला है मैरिनेशन से। और अब जो प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था कि अब हम फॉइल इस पर लपेटेंगे, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। आप ये देखेंगे कि अभी हम इस पर फॉइल इसको रैप करेंगे, जो मैंने आपको फॉइल दिखाई थी उसको आपने पाइप के साथ होल्ड करके और फिर इसको लैप करना है आपने, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। और ये लैप करते रहेंगे ऐसे ऐसे करके, फिर उसके बाद हम इसको जो मज़ीद तार हमारे पास बची है उससे हम इसको कम्प्लीटली पैक कर देंगे, ताकि कहीं से भी अगर फॉइल लूज़ होती है तो ये गोश्त जलने से बच जाए। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, जो गड्ढा खोदा था उसमें भी हमने लकड़ियाँ डाली हैं, 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं इसमें लकड़ियाँ जल रही हैं अभी तक। और ये जो बना हुआ है खड्डा, ये गर्म हो गया बिल्कुल, इसको भट्टी कहते हैं। तो ये भट्टी जो है हमारी बिल्कुल गर्म हो गई है, अब इसमें 15 से 20 मिनट और हम इसको जलने देंगे कंप्लीट। जब 3 घंटे हो जाएंगे उसके बाद बिल्कुल ये गर्म हो जाएगी, उसके बाद हमने ये इसको निकालना है, इसका ये कोयले वगैरह निकालेंगे उसके ऊपर, फिर ये हमने जो गोट है ये हैंग करना है, हैंग करके उसके ऊपर यही पाइप के साथ यहाँ लगा कर उसके ऊपर ये जो मैंने आपको शीट बताई थी, ये शीट आपके सामने पड़ी हुई है टीन की चादर, ये हमने देकर इसको मिट्टी डाल के पैक कर देना है। जिस तरह मैं अभी इसको गोट को अभी अंदर जब इसमें पैक करूँगा तो वो प्रोसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी आप देख सकते हैं प्रॉपरली इसको हमने फॉइल रैप कर ली है, और फॉइल रैप करने के बाद भी हम इसको जो वायर है या जो तार है उसके बाद फिर से हम एक इसको ट्विस्ट देंगे, एक बार सही तरह बांधेंगे ताकि ये जलने से बच जाए। व्यूअर्स, अब प्रॉपर इसको फॉइल लग गई है और प्रॉपर इसको सही तरह पैक कर दिया गया है, और इसमें से जो आग थी या जो कोयले वगैरह थे वो भी निकाल दिए गए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खाली हो गई भट्टी, इसमें सिर्फ हल्की लेयर है कोयलों की, बाकी जो मेन आग के कोयले वगैरह थे वो सारे हमने निकाल दिए हैं, लकड़ियाँ भी निकाल दी। अब ये आप देखेंगे प्रोसेस जो होगा, अब ये इसको रखेंगे वहीं पर भट्टी के अंदर और उसके बाद इसके ऊपर शीट देंगे और उसके ऊपर फिर ये जो कोयलों की तय है ये ऊपर दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि अब इसको आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, दोनों लेवल होने चाहिए, ना ज़्यादा आगे हो ना ज़्यादा पीछे हो। आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट इन्होंने रख लिया है। अब इसके ऊपर ये शीट देंगे और शीट देने के बाद ये सीधा जो कोयले आपको जलते हुए नज़र आ रहे हैं इनकी जो लेयर है ये ऊपर उस शीट के ऊपर दे देंगे। और उसके बाद इनके जलने के बाद जो मैंने आपको लकड़ियाँ दिखाई थी वो जो वो आपको 2 वहाँ नज़र आ रही हैं, उसके अलावा और भी लकड़ियाँ ये आपको उसके ऊपर दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हैं शीट प्लेस कर देनी है आपने, इसके ऊपर लेवल करनी है, उसके ऊपर इन्होंने अब मिट्टी से इन्होंने पेस्ट कर देना है घारा बना के। अब मैं आपको बताऊँगा घारा किस तरह बनता है, तो अब ये आपके सामने अभी ये घारा भी बनाएंगे और उसके बाद ये जो आग जो जल रही है कोयले जल रहे हैं ये प्लेस कर दिए जाएंगे। अब इन्होंने प्रोसेस ये करना है, ये जो मिट्टी आपने निकाली है
उसमें इसने कोडर और इसकी जो कोडर इसको कहते हैं बेलचा जो होता है और इस टाइप का जो ज़मीनों में खेतीबाड़ी में अक्सर काम आता है, ये एक टूल है, बहुत वैल्यूबल टूल है। इससे इन्होंने मिट्टी उठा के उसमें बाल्टी में डाल दी है और इसके जो पानी और मिट्टी जब मिक्स होगी तो उसका घारा बनता है, वो घारा इसमें पेस्ट के तौर पे लग जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये घारा पेस्ट करते हुए। अभी ये इसको बिल्कुल पैक कर देना है ताकि कहीं से हवा ना निकल सके या कहीं से लूज़ ना हो, और ये शीट बिल्कुल ऊपर उसके सही बैठ जाए, और उसके ऊपर आपने मिट्टी दे देनी है ताकि फिर साइड से बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। और इसको 3 घंटे तक छोड़ना है इसके अंदर, और उसके बाद फिर ये रेडी हो जाएगा। व्यूअर्स, जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसको कम्प्लीटली हमने पैक कर दिया है मिट्टी का घारा बनाकर, उसको मिट्टी और पानी को मिक्स करके 2-3 मिनट मिक्स किया, उसके बाद ये बिल्कुल आप देख सकते हैं इसको पेस्ट कर दिया साइडों पर। पेस्ट करने के बाद का प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि वही जो कोयले हमने नीचे से निकाले थे जो भट्टी के अंदर नीचे थे वो निकाल कर ऊपर ले आए थे, और अब ये पेस्ट करने के बाद फिर से वही कोयले हमने इसके ऊपर रखने हैं, और इसके ऊपर हमने 2 से 3 बड़ी लकड़ियाँ रखनी हैं जो कि इस कोयलों के साथ साथ जलेंगी, जिसकी हीट पे बाहर की जो हीट होगी उसके ऊपर वो जो गोश्त होगा वो पकना शुरू होगा। अब आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल पैक करने के बाद इसके ऊपर मज़ीद कोयले रख दिए गए हैं, और अभी 2 से 3 जो लकड़ियाँ मैंने आपको दिखाई थी वो उसके बाद रख दी जाएंगी। अभी आप देख सकते हैं जो बड़ी लकड़ियाँ आपको दिखाई थी वो 2 रख दी जाएंगी इसके ऊपर ताकि वो जलती जाएं और उसकी जो हीट है उसके नीचे ये जो हमने दमपुक बनाया है ये पक जाए। अभी टाइम हुआ है 6:30 बजे का, 6:30 बजे हमने रखा है, तो इंशाल्लाह इसको हम 9:30 बजे इसको खोलेंगे फिर से, और उसके बाद इंशाल्लाह 3 घंटे के टाइम पीरियड में ये हमारा दमपुक रेडी हो जाएगा। लेकिन इस दौरानिए के अंदर हमने ये करना है, जब ये लकड़ी पूरी तरह जल जाएगी, इसके कोयले जलेंगे, तो उसमें लास्ट जो आर होगा उसमें हमने जो कोयले मैंने आपको दिखाए थे वो कोयलों की गर्माइश ज़्यादा होती है बनिस्बत इस लकड़ी की गर्माइश से, तो वो कोयले हमने इसके ऊपर प्लेस करने हैं 1 घंटा पहले, और उसके 1 घंटे के बाद जब कोयलों की तपिश आ जाएगी उसके बाद हमने ये ओपन कर लेना है। व्यूअर्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अब ये इसकी आग कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है और इसके जो कोयले थे वो हमने रिमूव कर दिए हैं, अब इसके बाद जो प्रोसेस है लास्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। अब हम इसकी जो मिट्टी से हमने जो घारा बनाया था वो रिमूव करेंगे ऐसे ऐसे करके, उसके बाद इसके जो शीट है जो टीन की चादर है उसको उस साइड से पकड़ के और उस साइड करेंगे जिससे ओपन हो जाएगा, और फिर जो हमारा ये दमपुक है ये आपके सामने है माशाल्लाह से, अब इसको आराम से निकाल लेंगे, और निकाल कर जो मैंने आपको बताया था थाल जो बाउल है हमारा उसमें हम इसको गैदर करेंगे, और ये आप दोस्तों के सामने है। 3 घंटे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, 6:30 बजे हमने इसको प्लेस किया था, अब 9:30 हो रहे हैं फिक्स, 3 घंटे के बाद अब हम इसको निकालेंगे। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा ये जो दमपुक है बरबरी गोट का दमपुक आपके सामने हमने पूरा प्रोसेस किया और आपको दिखाया, और अब आपको ओपन करके भी दिखाएंगे कि ये किस तरह बना है, और इसको अब कटर प्लास की मदद से हम लोग इसको ओपन करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कटर प्लास की जो ज़रूरत पड़ेगी हमें, अब ये इस कटर प्लास से हम ओपन करेंगे, और जो हमने तार से जो पे जॉइंट लगाए थे या इसको स्टिच किया था तो अब वो हम ओपन करेंगे ऐसे ऐसे करके, उसके बाद आपके सामने ज़बरदस्त किस्म का दमपुक रेडी है। अब आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत जो माउथ वाटरिंग जो इसका ऑयल है वो निकल रहा है, अब ये आपको ओपन करके दिखाएंगे, और उसके बाद ये इसकी जब फॉइल ओपन करेंगे तो आपके सामने नज़र आएगा। व्यूअर्स, अब हम ओपन करेंगे बिस्मिल्लाह कर और आपके सामने हमारा दमपुक रेडी हो चुका है, अब इसकी फॉइल रिमूव करेंगे ऐसे ऐसे करके,
और ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इसमें खुशबू आ रही है। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी दमपुक जो कि हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल गल चुका है और आपके सामने है माशाल्लाह से। अब हम इसकी फॉइल रिमूव करेंगे और इसको इसी बाउल के अंदर डालेंगे और इसको हम लोग चावल और जो सैलेड है उसके साथ सर्व करेंगे। इसी बाउल के अंदर हम प्लेस करेंगे। तो व्यूअर्स, हमारा गर्मा गर्म बर्बरी गोट का दमपुक तैयार है और अभी हम इसको फॉइल से रैप कर देंगे। अभी इसका जो पुलाव है वो उसके साथ इसको सर्व कर दिया जाएगा। पुलाव बनने में अभी 10 से 15 मिनट हैं, तो जिस तरह पुलाव तैयार होगा उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये बर्बरी गोट की दमपुक बनाने की वीडियो पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने नारिजो गोट फार्म यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।